द ताशकंद फाइल पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी कहानी पर आधारित है। फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री के थ्रिलर ड्रामा ने दर्शकों को चौंका दिया है और बताते हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी भी अच्छी कमाई कर रही है और अपना पैर जमाई हुई है। द ताशकंद फाइल्स फर्स्ट वीक में बेहतर ट्रेंड कर रहा है। शो कम होने के बावजूद भी फिल्म ने दूसरे हफ्ते में भी कमाल कर दिया। ये फिल्म एक राजनीतिक नाटक पर आधारित है। बड़े हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म एडवेंजर्स एंड गेम की रिलीज को देखते हुए टिकट खिड़कियों पर अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहा है। फिल्म में नशुद्दीन शाह, पल्लवी जोशी, श्वेता बसु, पंकज त्रिपाठी, मिथुन चक्रवर्ती और विनय पाठक जैसे महान एक्टर हैं जिन्होंने अपने फिल्म को टॉप पर पहुंचाया है। फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 3,42,00,000 रुपए की कमाई की तो वहीं फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 3,75,00,000 रुपए की कमाई की, यानी कि दूसरे हफ्ते फिल्म के कलेक्शन में वृद्धि देखने को मिली थी। इस फिल्म में थर्ड वीक के पहले दिन सोमवार को 20,00,000 कमाई और मंगलवार को भी 20,00,000 ही कमाए थे तो वहीं बुधवार को फिल्म अपने रिकॉर्ड से नीचे गिरी और 15 करोड़ ही कमाई और गुरुवार को यानी कि आज फिल्म ने अब तक 10,00,000 की कमाई कर ली है। बाकी देखना होगा कि शाम तक फिल्म कितना कमाती है और सिनेमाघरों में टिकी हुई है फिल्म कितना दबदबा बनाए रखती है। आपको बता दें कि फिल्म का टोटल कलेक्शन 8,80,00,000 रुपए हो गया है। फिल्म न केवल फिल्म प्रेमियों को आकर्षित कर रही है बल्कि RSS प्रमुख मोहन भागवत का ध्यान भी आकर्षित किया है। भाई फिल्म इतने महत्वाकांक्षी मुद्दे पर आधारित है तो फिल्म के फैंस तो बढ़ेंगे ही और इसकी कमाई भी बरकरार रहेगी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें फेमस मीडिया। थैंक यू।